तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा हर कीमत पर अफगानिस्तान से भारत को बाहर निकाल कर ही लेंगे चैन की सांस, बढ़ गई हैं भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार से योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका, जनसंख्या कानून का जेडीयू ने बिहार में किया जमकर विरोध, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब भाजपा सांसद नितिन गडकरी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें मोदी अमित शाह, पूरी जनता है परेशान, बढ़ गई हैं भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शरद पवार ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा महाराष्ट्र विधानसभा में बने कानून में दखल अंदाजी ना करें मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया ऐलान, अगर 2022 में बनी सपा की सरकार तो 10 लाख नौकरी और उत्तर प्रदेश में देंगे फ्री बिजली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, अगर कृषि कानून नहीं लिए वापस तो पुलिस के बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टर है किसानों के तैयार। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान के गृह मंत्री ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा भारत को अफगानिस्तान से निकालेंगे बाहर। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने आज अफगानिस्तान को लेकर मोदी अमित शाह को खुली चेतावनी दे दी है, जिसके बाद भारत को बड़ा झटका पाकिस्तान देने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने भारत के अफगानिस्तान में रह रहे कर्मचारियों को हटाने पर कहा है कि भारत के पास अफगानिस्तान से भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। रशीद ने दावा किया है कि भारत अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आतंक फैला रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में रहकर पिछले 40 साल से आतंक को बढ़ावा दिया है और अब भारत के पास अफगानिस्तान से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर स्थित है जिसे चीन हो या फिर अमेरिका कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। इमरान खान ने भी जो है भारत पर आतंक की फैलाने का पाकिस्तान में आरोप लगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या कानून को लेकर बिहार से योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका, जेडीयू ने जनसंख्या कानून का जमकर बिहार में किया विरोध, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या कानून को लेकर बड़ा झटका बिहार से लगा है। उत्तर प्रदेश में अभी जनसंख्या कानून योगी आदित्यनाथ ने लागू भी नहीं किया कि बिहार में इस जनसंख्या कानून का जमकर विरोध हो रहा है, और कोई और नहीं बिहार में बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार चलाने वाले गठन जेडीयू ने इसका विरोध किया है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, एक खास समाज को निशाना यूपी में बनाया जा रहा है। पार्टी के विधान पार्षद खालिस अनवर और मुगलाम गौस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून ला रहे हैं वह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए ही ला रहे हैं। भाई आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जमकर विरोध इस कानून को लेकर पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और अब बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रही जेडीयू ने भी विरोध किया है। तो योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा की मुश्किलें इस कानून पर बढ़ गई हैं। आपकी क्या राय है कि उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू होना चाहिए या फिर नहीं? इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब भाजपा नेताओं ने ही मोदी अमित शाह के खिलाफ खोला मोर्चा। नितिन गडकरी बोले पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग हैं परेशान, मोदी को करने चाहिए रेट कम। जय दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर अब मोदी अमित शाह की मुश्किलें उनके ही नेताओं ने बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन अब मोदी के मंत्री ही मोदी के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री रहे नितिन गडकरी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करें और 60 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें और जबकि 58 रुपये डीजल की कीमतें देश में करें। वहीं आपको बता दें कि नितिन गडकरी एक बड़े नेता हैं और मोदी सरकार के साथ केंद्र में भी वह काम कर चुके हैं, तो अब मोदी अमित शाह की मुश्किलें उनके नेताओं ने ही
बढ़ा दी हैं और अब लोगों को लगने लगा है कि वास्तव में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वह गलत हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शरद पवार ने मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा महाराष्ट्र विधानसभा में बने कानूनों में दखल अंदाजी ना करें मोदी अमित शाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया था जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय रखा था। अब इसी मंत्रालय पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने सवाल खड़े किए हैं। शरद पवार ने मोदी अमित शाह को फटकार लगाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा से जो कानून भी बनकर पास होते हैं उनमें केंद्र की मोदी सरकार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को दखल अंदाजी करने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाएंगे, हमें कौन से कानून की महाराष्ट्र में जरूरत है ये हमको पता है और हम अपनी मर्जी से ही महाराष्ट्र विधानसभा में कानून बनाएंगे। मोदी अमित शाह को इसमें दखल अंदाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी फटकार शरद पवार ने मोदी अमित शाह को लगाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया ऐलान, कहा अगर समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार तो 10 लाख नौकरी और उत्तर प्रदेश में फ्री देंगे बिजली। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसानों की हालात का जिक्र करते हुए साल 2017 के विधानसभा में बीजेपी के संकल्प पत्र पर योगी की तस्वीर न होने के कारण भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इस संकल्प पत्र को कूड़े में फेंक दिया और बीजेपी ने जो वादे उत्तर प्रदेश में किए थे वह पूरे नहीं करे हैं। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा ने वादे किए थे कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज बड़ा ऐलान यूपी में कर दिया है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम उत्तर प्रदेश में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बाद भाजपा सहित आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अखिलेश यादव ने इस ऐलान के बाद बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने किया ऐलान, अगर मोदी अमित शाह ने नहीं लिए कृषि कानून तो पुलिस के बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टर हैं हमारे तैयार। जय दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने आज फिर से एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी गेट पर किसान आंदोलन पिछले 7 महीनों से जारी है। इसी यूपी गेट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो पुलिस के बैरिकेड तोड़ने के लिए हमारे ट्रैक्टर तैयार हैं और दिल्ली में हम घुस जाएंगे और संसद सहित भाजपा के नेताओं का घेराव करेंगे और हर कीमत पर कृषि कानून को रद्द कराकर ही जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान राकेश टिकैत ने फिर से आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड सुपरस्टार रजनीकांत ने किया ऐलान, राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा किसी पार्टी को ज्वाइन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुपरस्टार रजनीकांत ने आज मद्रास के पद अधिकारियों से बातचीत करते हुए एक ऐलान कर दिया है जिसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों को राहत मिली है। रजनीकांत ने ऐलान किया है कि वह अपने जीवन में कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे और राजनीति को आज रजनीकांत ने अलविदा कह दिया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों चला था ऐलान कि जल्द ही रजनीकांत नई पार्टी बनाएंगे और वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मद्रास में आज रजनीकांत ने ऐलान कर दिया है कि वह ना पार्टी बनाएंगे और ना ही किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और ना ही राजनीति में आएंगे और ना ही कोई चुनाव लड़ेंगे। तो रजनीकांत ने ये बड़ा ऐलान आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में आरएसएस को दी जमीन तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, पुलिस ने की पानी की बौछार। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल स्थित गोविंदपुर औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन को आरएसएस को दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की। अधिकारियों के अनुसार ये घटना उस वक्त हुई जब राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता गोविंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रदर्शन करने पहुंचे और यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अब इस मामले में दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं को जो है FIR दर्ज कर दी है और COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जी दोस्तों आपको ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस किस तरह से अपनी जड़ों को फैला रही है।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में लाल टेन का दामन थामने वाले हैं चिराग पासवान, तेजस्वी हो सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार का तापमान इस वक्त भले ही कम हो लेकिन सारी पारा रोज बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में नेताओं की भेंट मुलाकात ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। ताजा मामला राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव का है। लालू यादव ने श्याम रज्जाक एवं मनोज झा के बीच सियासी मुलाकात हुई है। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रज्जाक और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा रविवार को राजद अध्यक्ष लालू से मिले। इस मुलाकात को लेकर अहम माना जा रहा है क्योंकि शनिवार को ही चिराग पासवान से रज्जाक मिले थे, जिसके बाद अब उम्मीद चल रही है, घटनाक्रम चल रहा है कि जल्द ही चिराग पासवान बिहार में लालटेन का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार और बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने का इन दोनों पार्टियों ने षड्यंत्र रचा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, कभी भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या कानून पर बोले सपा सांसद, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून से सबसे ज्यादा होगा हिंदुओं का नुकसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने यूपी में योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर बोलते हुए कहा है कि इसका सबको बड़ा असर बहुसंख्यकों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को इस कानून से घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये कानून किसानों और मजदूरों को टारगेट कर बनाया जा रहा है, उन्होंने ही इससे सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सबसे ज्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रही है और ये कानून जब बनाया गया है तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी हिंदुओं का उत्तर प्रदेश में कर रही, क्योंकि हिंदुओं की आबादी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और मुसलमानों की आबादी कम है, इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को इस जनसंख्या कानून से होगा, मुसलमानों को नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हेमंत विश्व शर्मा ने किया ऐलान, हिंदू लड़का भी अगर किसी हिंदू लड़की से बोलेगा झूठ तो ये भी है लव जिहाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी हिंदू लड़की से झूठ बोलता है और उसे झांसा देता है तो वह भी जिहाद है, सरकार इसके खिलाफ भी कानून लाएगी। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व 5000 साल पुरानी आस्था है, हिंदुत्व जीवन पद्धति है, इसमें झूठ बोलकर या झांसा देने वालों का कोई स्थान नहीं है। अगर किसी लड़की को झूठ की बुनियाद पर फंसाया जाए तो वह गलत है और कैबिनेट इसके खिलाफ जल्द ही कानून लेकर आएगा। तो ये बड़ा ऐलान असम के मुख्यमंत्री ने कर दिया है, असम के मुख्यमंत्री जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून और गौ रक्षा कानून लेकर असम में आने वाले हैं। आपकी क्या राय हमें कॉमेंट में जरूर बताएं।